सब जगह अच्छा भी नहीं है तो सब बुरा भी नहीं होता है. जी जी जी. हमारे यहाँ पे जो होता है ओनली फॉर प्रोफेशनल मसाज एंड गुड, बट उस टाइप के स्कैम वगैरह कुछ भी नहीं होता, है. वहाँ पे दो लड़के आए और आई थिंक 1000 रुपये नेपाली करेंसी दिए. और यार स्पा में ये सब चल रहा है मुझे नहीं पता. अच्छा अप्रॉक्स कितने रेंज में होगा? अप्रॉक्स 1 लाख का. 1 लाख के आसपास का होगा. हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज मैं पूरा दिन कैमरा नहीं उठाया और रात शाम हो गया और जिस जगह पे मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ का नज़ारा शाम में ही समझ में आता है. दिन में यहाँ कुछ नहीं दिखाई देता. एक्चुअली ये काठमांडू का सबसे पॉश इलाका है और यहाँ पे आपको अगर ट्रैकिंग करते हैं, माउंटेनिंग करते हैं, तो उसके सारे आइटम यहाँ पे मिल जाएंगे. आप अगर मसाज के शौकीन हैं, स्पा जाना चाहते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं. यह है काठमांडू का सबसे शानदार मार्केट, थमेल मार्केट. और आपको बता दूं कि यहाँ पे भी जो फॉरेनर है ना, उनका तांता लगा रहता है. इस जगह पे आपको बहुत सारे यहाँ पे हैंडमेड आइटम मिल जाएंगे. यह काठमांडू का हर्ट है. आर यू ब्लॉगर? यस, आई एम ब्लॉगर. फ्रॉम व्हेयर? आई एम फ्रॉम इंडिया. इंडिया व्हिच प्लेस? फ्रॉम गोरखपुर एंड यूपी. ओह, वेरी नाइस प्लेस. यू डू यू नो? या. यहाँ पे बहुत सारे, नमस्ते, ये हैंडमेड है, हाथ से बनाया हुआ है. ये आप बनाते हैं या आपके पापा जी बनाते हैं या फिर कोई लड़का? We have a different artist. अच्छा, आपके पास आर्टिस्ट आते हैं यहाँ पे पेंटिंग करते हैं और फिर आप इसको लगा देते हैं सेल करने. जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये जो सीन है ये माउंट एवरेस्ट बेस कैंप जाते वक्त रास्ते में पड़ता है. ये सीन मैं देखा हूँ और जस्ट इसके उस पार से रास्ता होके नीचे नीचे चला जाता है गोरख क्षेत्र. सही है या गलत? ठीक है. सही है ना? सही. मैं सही बोला ना? हाँ. इस रास्ते पे मैं जा चुका हूँ. जिसने ये दोनों पेंटिंग किया है ना, वही चीज़ जो मुझे 2 साल पहले दिखा था, जस्ट मुझे दिख रहा है कि उसके हाथ की कितनी शानदार कलाकारी है. एक एक चीज़ को बारीकी से दिखाया. सही है ना? ये जो बौद्ध फ्लैग है ना, आज भी ऐसे ही है. यानी जिसने भी इसको शूट किया है भाई साहब, या पेंटिंग किया, बहुत तगड़े से. अच्छा अप्रॉक्स कितने रेंज में होगा? अप्रॉक्स 1 लाख का. 1 लाख के आसपास का होगा. अच्छा, सबसे सस्ते में आपके पास कितने इससे स्टार्ट होता होगा ये? अच्छा, ये कितने से? 3500 का है. 3500 का. और इसका कलर वगैरह नहीं जाएगा? नहीं जाएगा. कितने दिन तक? 50 to 60 years. 50 से 60 साल ये ऐसे ही रहेगा. काठमांडू के थमेल रोड पे और मैं एक स्पा सेंटर में आया हुआ हूँ. यहाँ पे उन्होंने वीडियो अलाउड तो नहीं किया. मैं अपने नीचे सर के आपसे आराम से बात करूँगा. एक्चुअली जिस स्पा पे मैं गया हुआ था यार, मेरा दिमाग घूम गया. वो लड़की आ रही है मेरे पास, बोली वीडियो नहीं बनाना है, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया. फिर बोली कि आपको क्या करना है? मैंने बोला कि मसाज. तो बोले कि मसाज के साथ और क्या? तो मैंने बोला यार मुझे मसाज. बोले कि नहीं नहीं, जो चाहिए आप खुल के बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैंने देखा कि मैं वहाँ पे 2 मिनट बैठा रहा. आप देखे भी, वहाँ पे 2 लड़के आए और आई थिंक 1000 रुपये नेपाली करेंसी दिए. और यार स्पा में ये सब चल रहा है मुझे नहीं पता. और वो सब लेके लड़की को ऊपर रूम में गए. तो स्पा एक बहाना है, बहुत सारे स्पा सेंटर पे यही काम हो रहा है. और थोड़ा सा यहाँ पे आए तो अलर्ट रहें. 10 में से 1-2 स्पा आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे रियल में मसाज होता है, नहीं तो पूरे स्पा सेंटर में यही चल रहा है. इधर इधर ब्यूटी स्पा हब. आपके स्पा का क्या नाम है? ब्यूटी स्पा हब. ब्यूटी स्पा हब. यस, ये ब्यूटी स्पा हब की ओनर हैं. तमी को के नाम हो?
पूनम आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। थैंक यू, सेम टू यू। अभी अच्छा, थैंक यू। यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया, गोरखपुर, बट आई वेंट इन नेपाल, ताप्लेजुंग, जोमसोम, मुस्तांग, बेनी, इधर सलेरी, बुप्सा, पैयाथम, दादा, खरीखोला, नामचे, आप नहीं गई? नहीं, सुना है लेकिन। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं हमारे इंडिया से, तो वो बोलते हैं ना कि हमारे साथ स्कैम हो गया नेपाल में, आप भी बड़ी अच्छी मुझे दिख रही हैं, क्या मिनिमम जो मसाज होता है मिनिमम चार्ज क्या होता है उसका? हमारा मिनिमम एक्चुअली हमारा स्टार्टिंग प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव है, जैसे हमारे यहाँ 100 तक स्टार्ट होगा, 1500 से स्टार्ट होगा, लेकिन हर एक जगह के अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होता है, सब जगह अच्छा भी नहीं है तो सब बुरा भी नहीं होता है। जी जी जी। हमारे यहाँ पे जो होता है only for professional massage and good, but उस type का scam वगैरह कुछ भी नहीं होता, नहीं होता है ना? और लेकिन इस बात को आप भी जानती हैं कि बहुत सारे मसाज पार्लर में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, ये तो आप भी जानती होंगी, तो उसके कारण आप जैसे लोग भी बदनाम हो जाते हैं। हाँ, जब उस टाइप का होता है ना, उस टाइप के मसाज सेंटर ने करके हमको भी खुल के बताना नहीं सकती हो, क्योंकि जी जी हाँ, वो उनका बिजनेस है उनका। एक्चुअली ये मैडम सही बोल रही हैं कि एक लोगों के चक्कर में बहुत सारे लोग बदनाम हो जाते हैं। मैंने आपसे भी बोला है कि जब भी जहाँ जाए ना, थोड़ा सा जांच पकड़ रख के ही अंदर जाइए कि वो कैसा मसाज पार्लर है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी चीजें चलती हैं और उन सबसे बच के रहना है, क्योंकि हमारा तो यहाँ पे हम तो यहाँ काउंटर में क्लियर कर देती हूँ, जो भी आता है ना यहाँ पे हमारा ओनली फॉर प्रोफेशनली, आप सोचिए करना मसाज की जरूरत है तो जाइए, नहीं करना है तो यहाँ से क्लियर होके जाइए, है ना? अंदर जाके डिस्कस करना अच्छा भी नहीं होता है, सब कुछ पैसा नहीं है ना, हर एक इंसान के अपने अपने प्रोफेशन होता है, लेकिन हम गलत ट्रैक में जाके कुछ भी उस टाइप का हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। एक्चुअली ये पूनम जी हैं, और शायद मैं आपको थमेल मार्केट और जो स्पा की कहानी है उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाया हूँ, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। जैसे हमारे यहाँ ओला चलता है जो एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है, शंकर जी यहाँ पे कौन सा चलता है? पठाओ एंड ड्राइव चलता है, जिसे आप ऐप लोड करेंगे और लोकेशन डालेंगे वो आ जाएगा। आई थिंक बाइक से भी आप जा सकते हैं, लोकल में आप जाएंगे 100-150-200 यही आता होगा ना चार्ज? टैक्सी भी जाती है, 100-150-200 रुपये नेपाली आता होगा। अभी यहाँ से हम बस लेंगे और बस लेके निकलेंगे गौशाला। नहीं, जगह नहीं है ना, कहाँ बैठेंगे? जगह कहाँ है भाई? एक जना इधर है और जन एक जन आगे जन खाली होता है। कति रुपये कहाँ जाना है? गौशाला, धर्मशाला। 25 आप चलाते हैं? हाँ, नेपाली लोग बहुत जेंजर आदमी है। मैडम इस गाड़ी को चला रही है। हाँ मैडम, गाड़ी को चला कार आने वाला।